टू देखेंगे इसमें, केस टू क्या कहता है भाई, यानी केस टू में इफ बोथ द चार्जेस आर ऑफ दिस सिमिलर नेचर, इफ बोथ द चार्जेस आर ऑफ डिसिमिलर नेचर, अगर दोनों चार्ज डिसिमिलर नेचर के, वेयर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल फाउंड, वेयर इक्विलिब्रियम पॉइंट विल फाउंड, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पाया जाएगा, ये चीज आप देखो ध्यान से। हमने क्या देखा, Q1 चार्ज Q2 चार्ज, लेट इट बी पॉइंट ए एंड इट बी पॉइंट बी, एंड आर विद सेपरेशन, एंड आर विद सेपरेशन बिटवीन देम। अब कह रहा है सर, अब ये नेचर में क्या है सर, डिसिमिलर, ये अगर प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, ठीक। अब हम लोग आते हैं देखते हैं क्या कहता है, अगर हम इन बिटवीन रखते हैं चार्ज क्यू को, इन बिटवीन रखते हैं चार्ज क्यू को, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इस केस में दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। देखिए ध्यान से, ये प्लस Q1 इसको अपनी ओर, अगर इसको प्लस रखिएगा तो ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा, लेट इट बी F1, एंड ये माइनस इस प्लस क्यू को अपनी ओर खींचेगा। देखिए ध्यान से, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे क्या होगा, दोनों फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका नेचर बदल सकते हैं, ये माइनस ले लीजिए, अब देखिए डायरेक्शन खाली बदलेगा इसका, दोनों फोर्स का, अभी इस साइड दोनों का था, अब इस साइड बदलेगा, ये माइनस ये प्लस है, इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा ये F1, और ये माइनस जो है माइनस को रिपेल करेगा F2, फिर दोनों फोर्स क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन में लग गया। तो ऐसे स्थिति में इक्विलिब्रियम पॉइंट कभी नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन कभी नहीं हो सकता, तो कहां होगा सर, आउटसाइड होगा। आप देख लो इसको, आप इसको देख लो भाई, कैसे आउटसाइड होगा। अब यहां से ए पॉइंट से एक पॉइंट भी ले लिया जाए जहां पर चार्ज क्यू को रखा गया, यहां से इसकी दूरी एक्स है, ए पॉइंट से यानी Q1 से, तो स्वाभाविक है कि Q2 से इसकी दूरी जो है R प्लस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। Q2 से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस X हो जाएगा। अब देखा जाए ध्यान से, तो ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या है सर, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे स्थिति में दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में हम जानते हैं कि दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम है, तो इस केस में क्या होगा, अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो कैंसिल कर दे, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो यहां भी देखिए हम लोग कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, ठीक, और F1 F2 को निकालेंगे, तो नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F1 इज नथिंग बट व्हाट, K, अब K लिख सकते हैं,
k q1 q by x square. k q1 q ये q q1 q by x square. दूरी x है. and f2 is nothing k q2 q by r plus x square. अब q2 से इसकी दूरी q की कितनी हो गई, r plus x हो गई. अब देखा जाए इसको इक्वेशन वन बना दिया. तो फ्रॉम इक्वेशन वन f1 इक्वल टू f2 मान लग गया k q1 q by x square k q2 q by r plus x का होल स्क्वायर. ठीक, k से k कैंसिल, q से q कैंसिल. अब आपका जो बच गया उसको देखा जाए, q1 by x square is nothing q2 by r plus x का होल स्क्वायर. q2 by r plus x का होल स्क्वायर. आइए देखिए ध्यान से, फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं. r plus x का होल स्क्वायर by x square, this is nothing q2 by q1, यानी r plus x square root ले लिए, r plus x square root ले लिए is nothing root over q2 by q1. और इसको सिंपलीफाई कीजिए, r plus x is nothing x into root over q2 by q1. x को उधर ले लीजिए तो x माइनस हो जाएगा, प्लस रूट ओवर प्लस x टाइम्स रूट ओवर q2 by q1. और r इज नथिंग माइनस, अब यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, माइनस वन प्लस रूट ओवर q2 by q1. तो आपका क्या हो गया, नाउ x इक्वल टू r by माइनस वन प्लस रूट ओवर q2 by q1. ये भी ध्यान देना, क्या पिछला क्लास में बताया था, पिछला क्लास में पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पिछला क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि भाई फ्रॉम कहां से लिए हैं, q1 से. अगर q2 से आ जाए, फ्रॉम q2 ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r plus x. ध्यान दीजिए यहां हमने इस दूसरे पहलू को लेकर के इस क्वेश्चन को हल किया. क्या दूसरा पहलू, ये बोथ द चार्जेस आर ऑफ डी सिमिलर नेचर. ठीक, ध्यान देना है क्वेश्चन का सलूशन निकालना नहीं उद्देश्य है, इसके पहलू को, इसके हर एस्पेक्ट को डिस्कस करना जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बड़ा साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है. आप देखो ध्यान से, ये तभी संभव होगा, ये सॉल्यूशन तभी संभव होगा. ध्यान दे रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन q1 इज ग्रेटर देन q2, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन q1 इज ग्रेटर देन q2. आइए देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा इसको रियलाइज कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, रियलाइज कीजिए इसको. कैसे भाई, आप देख रहे हो कि ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर चार्ज q1 रखा हुआ है और बी पॉइंट पर चार्ज q2 रखा हुआ है. अब देखो अगर q1 का मान बड़ा हो और दूरी छोटा हो, q2 का मान छोटा हो और ये दूरी बड़ा है, तो कभी भी छोटा चार्ज दूर रह करके उतना प्रभाव कभी नहीं डालेगा जितना कि एक बड़ा चार्ज नजदीक रहे. यानी बड़ा चार्ज नजदीक है, बड़ा चार्ज नजदीक है, उसका फोर्स हमेशा अधिक होगा उससे जो छोटा चार्ज दूर है. तो सर ये एक्सप्रेशन केवल तभी संभव है जब Q2 is greater than Q1. क्यों?
क्योंकि दूर है चार्ज तो मात्रा बड़ा है, बड़ा मात्रा होने के चलते बड़ा फोर्स लगाएगा इसको, नतीजा बैलेंस करेगा, बैलेंस करेगा। तो इसके लिए कह रहा सर कि दिस इज ओनली ट्रू व्हेन, अच्छा ठीक है इसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। उस एक्सप्रेशन को हम यहां लेकर के आपको डिस्कस करें, x इक्वल टू क्या है, r अपॉन माइनस वन प्लस रूट ओवर q2 बाय q1। इसके विषय में क्या बोला मैं कि दिस इज ओनली ट्रू व्हेन q2 इज ग्रेटर देन q1। अगर q1 बड़ा हो जाए कभी नहीं हो सकता एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा, ये तभी वैलिड होगा जब Q2 ग्रेटर देन Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 से बड़ा होगा, Q2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 से बड़ा होगा। तो आपने देख लिया कि जब दो चार्ज हमारे पास हैं Q1 Q2, उनको R सेपरेशन पर रख दिए हैं, तो तीसरा चार्ज कहां रखें ताकि उनके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स जीरो। मैंने दो केस लिया जो संभावित था, पहला केस में लिया दोनों सिमिलर नेचर का है, तो देखें इक्विलिब्रियम पॉइंट इन बिटवीन लाई किया, अगर Q1 बराबर Q2 हो गया तो मिड पॉइंट पर लाई किया। अब यहां क्या देख रहे हैं, जब दोनों चार्ज डिसिमिलर नेचर के हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइज आउटसाइड द टू चार्जेस, लाइज आउटसाइड यानी दोनों चार्ज से चार्ज का जो बीच का गैप उसके बाहर में लाई कर रहा है, बाहर में लाई कर, ठीक। चलिए अब हम एक अगला क्वेश्चन देखें थोड़ा, अभी हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार का डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर क्या क्या हो सकता है, इस चीज को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन से, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर टू क्या है, क्वेश्चन नंबर टू थ्री पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री आर प्लेस्ड at the vertices of an equilateral triangle each of side l small l. Find the force experienced by charge Q1, आप Q2 भी ले सकते हो, Q3 भी ले सकते हो, Q1 due to the other two, due to the other. क्वेश्चन है थ्री पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री आर प्लेस्ड
at the vertices of an equilateral triangle, each of side L. Okay? Now, find the force experienced by a charge Q1 due to the other two. तीन पॉइंट चार्ज है जिसका मान Q1, Q2, Q3, ये सभी को इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रख दिया गया, शीर्ष बिंदु पर रख दिया गया। अब पूछा जा रहा है और सभी का साइड का लंबाई L है, तो पूछा जा रहा है कि Q1 के द्वारा दो और के चलते, Q2 और Q3 के चलते क्या फोर्स लगेगा। यहां ध्यान दिया जाए, जब किसी बॉडी पर एक से अधिक फोर्स लगे और सम का बात हो, दो तीन चार पांच छह सात लगे, उस केस में चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एलजेब्रा का मतलब देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या हुई, हर बार की बात, इस बार भी मैं हर बार के जो बोलते थे अभी भी मैं वही बोल रहा हूं। जब भी मैं क्वेश्चन लिखवाऊं उद्देश्य ही है, आप यहां वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, अपने से डिस्कस कीजिए, अपने से बनाइए। अगर बन जाता है बहुत अच्छा, नहीं तो फिर वीडियो को आगे चलाइए, देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद देखिए हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप ही को बनाना है, हर हालत में एग्जाम में आपको बैठना है, हर हालत में अपना स्किल आपको डेवलप करना है। कभी नहीं वीडियो देख रहे हैं आज पूरा का पूरा वीडियो देखे, नहीं, अब देखिए ध्यान से, हम सोल्यूशन दे रहे हैं। अब आप अगर ट्राई किए होंगे तो पता चलेगा कहां कहां मिस्टेक किए, या पता चलेगा कहीं मिस्टेक नहीं किए, हमने बड़ी सहजता से इसको बना दिया। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इसके सभी साइड की लंबाई क्या है सर, एल दिया हुआ, और ए पर क्यू वन, बी पर क्यू टू, और सी पर क्या है क्यू थ्री चार्ज रखा, ये तीन चार्ज रखिए इसका शीर्ष बिंदु पर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1 ड्यू टू द अदर टू। अगर जैसा कि मैं डिस्कस किया हूं ग्रेविटेशन, अगर ये मासेस रहते तो बहुत सारी संभावनाएं नहीं थी इसका, बहुत सारे आंसर नहीं होगा इसका, एक ही आंसर होगा इसका। लेकिन यहां चूंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहे होते हैं, यहां संभावनाओं का खेल प्रारंभ हो गया, यानी एक से अधिक आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड हम नहीं बदल रहे, खाली नेचर बदल रहे हैं, प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा बदलेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को मिटाते हैं और फिर सलूशन के पास आते हैं, कैसे बनाए, कैसे अप्रोच के साथ। और ये सब बहुत आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, यानी सब प्लस टू लेवल का क्वेश्चन है, प्लस टू लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, आते हैं देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, कहता है सर अब हम लोग देखें पॉसिबिलिटीज। मान लीजिए इसी फिगर से शुरू करते हैं, मान लेते हैं कि ये सब के सब क्या है। अब भाई कुछ केसेस हम डील करेंगे, रेस्ट के साथ डिस्कस कीजिएगा, आप सोचिएगा कैसे आगे सुन। तो हम मान लेते हैं सब के सब पॉजिटिव है और हम लोग सब्जेक्ट इसको बनाना है, सिस्टम इसको बनाना है Q1। अब Q2 और Q3 क्या करेंगे, तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो Q2 इसको रिपेल करेगा, लेट इट बी F1 इस फोर्स को ले लें, और Q3 इसको रिपेल करेगा, F2 ले लेते हैं इसको, F2 फोर्स ले लेते। आपको मालूम है सर ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टिंग फोर्स इस पर कितना लगेगा, यानी एफ नेट, एफ क्या लगेगा। तो सर अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम बहुत सिंपल है, एफ इज नथिंग एफ वन प्लस एफ टू। ठीक, अब देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो रूट ओवर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू, कॉस यहां पहले से मालूम है 60 डिग्री। ठीक, कॉस पहले से मालूम है 60 डिग्री। अब एफ वन एफ टू का मैग्नीट्यूड निकालिए, आप सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ लगा करके देख सकते हैं, एफ वन बराबर के के क्यू वन क्यू टू बाई एल स्क्वायर, एफ टू बराबर एफ टू इक्वल टू के क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री बाई एल स्क्वायर। आपने देखिए मैं छोड़ निकाल गया। अब आप देखो ध्यान से, तो एफ इक्वल टू रूट ओवर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू। अब कॉस 60 डिग्री का मान बाबू जानता है, ये दिस इज नथिंग बट व्हाट 1/2, टू से टू कट गया। अब आ जाइए देखिए ध्यान से क्या क्या कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं, के क्यू वन बाई एल स्क्वायर, के क्यू वन बाई एल स्क्वायर। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं सर, तो आप उसका शब्द स्क्वायर का स्क्वायर, के क्यू वन बाई एल स्क्वायर का स्क्वायर, के क्यू टू बाई के क्यू थ्री बाई एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं के क्यू वन बाई एल स्क्वायर। बाकी अंदर क्या बच गया, इसके लिए क्यू टू बच गया, इसके लिए क्यू थ्री बच गया, तो आप लिख सकते हो क्यू टू स्क्वायर क्यू थ्री स्क्वायर प्लस क्यू टू इंटू क्या क्यू थ्री। आप देख लीजिए ध्यान से, तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू वन ड्यू टू द अदर टू इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में यानी पहला प्रॉब्लम क्लियर हमारा जो है, पहला हमने सोचा सिंगुलर चार्ज है तब। ठीक, अब आते हैं ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं स्पेशल केस लेते जाते हैं, स्पेशल केस लेते जाते हैं, ए बना दीजिए इसको। अब देखिए ध्यान से, ये सारा फिगर का ज्योमेट्री वही है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एल एल, अब नेचर बदलिए, ये पॉजिटिव ये दोनों निगेटिव, अब ये दोनों फोर्स केवल अपना डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, ये एफ वन ई एफ टू, अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यानी यहाँ आर जो है, आर का मैग्नीट्यूड, यहाँ आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, इसमें फोर्स ऊपर है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा, पलट जाएगा, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम केस लेते हैं, क्या चीज केस लेते हैं, दूसरा दिखाई ध्यान से, दूसरा केस लेते हैं, बी केस लेते हैं, इसमें हमारा क्या है भाई, आप देखो ध्यान से, इसमें है Q1, Q2, Q3, ठीक, अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नहीं, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव इसको धकेलेगा, ये एफ वन हो जाएगा, और ये निगेटिव इसको क्या करेगा, अब देखिए ध्यान से, ये जो एंगल होगा, जैसा कि मालूम है आपको, ये दोनों 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज नथिंग बट व्हाट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी कि अब इसके बीच का एंगल क्या होगा 120 डिग्री, किसके बीच के बीच, एफ वन और एफ टू। फिर हम यहाँ रिजल्टेंट देखेंगे, रिजल्टेंट एफ क्या होगा, तो या फिर वेक्टर का पैरेललोग्राम लगेगा,
एफ वन प्लस एफ टू, तो एफ इक्वल टू रूट ओवर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू एफ टू कॉस 120 डिग्री 120 डिग्री। अब देखिए ध्यान से पर क्या हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू रूट ओवर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर F1 square plus F2 square 2 into F1 into F2 minus 1 by 2 minus है। अब इसका आंसर वही होगा, केवल यहां पर देखिए वहां पर minus 1 जो है minus साइन लग जाएगा, यानी थोड़ा सा बदलेगा सर, यहां पर कॉमन सा वही रहेगा k q1 by L square k q1 by L square root over q2 square q3 square q3 square q3 square minus q2 q3 q2 q3 केवल माइनस यहां पर बस हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बदल सकते हैं ये माइनस ये प्लस, ये डायरेक्शन इधर प्लॉट किया जाएगा इधर आ जाएगा, तो आप देखिए आप बदल बदल के चार्ज के नेचर को अलग अलग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग एक प्रॉब्लम इसमें एक इसी पर एक नया प्रॉब्लम इसी टाइप का मैंने ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम एक अलग अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लिया आप क्या क्या हुआ। ठीक, अब देखा जाए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर, ठीक अब देखिए ध्यान से, कह रहा सर अब इसमें परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा निष्कर्ष आपके सामने लाएगा ये क्वेश्चन, एक जनरल व्यू आपको देगा, ताकि बहुत सारे इस टाइप के जो सिंगल क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव में आप आराम से क्या कर सकते हैं उसका जवाब दे सकते हैं, आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है थ्री आइडेंटिकल चार्ज आइडेंटिकल मैन जो नेचर सब सेम, थ्री आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्लेन, इक्विलैटरल प्लेन ईच ऑफ साइड एल, ईच ऑफ साइड इक्विलैटरल प्लेन ईच ऑफ साइड एल, ध्यान दीजिए। नाउ अ फोर्थ चार्ज, नाउ अ फोर्थ चार्ज क्यू डैश इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द टैंक, सेंटर ऑफ द टैंक, देन फाइंड द फोर्स experienced by Q dash, experienced by Q dash due to the other, due to the other three
इन तीनों के चलते जो पहले से थे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक आते हैं लोग, जैसे क्वेश्चन का उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन का तो भाई तीन चार्ज है, आइडेंटिकल नेचर है और ये ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए। अब कह रहा है कि एक सेंटर पर यहां से चार्ज क्यू डैश रखा हुआ। अब देखिए ध्यान से, इन तीनों के चलते इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा इसको देखा जाए। बहुत सिंपल है, मान लीजिए ये प्लस है, ये क्यू इसको रिपेल करेगा, ये क्यू इसको रिपेल करेगा, ये क्यू इसको रिपेल करेगा। आप देखिए ध्यान से, ये क्यू रिपेल करेगा, ध्यान दीजिए। अब यहां क्यू डैश है तो क्यू देखिए, अब ये डिस्टेंस को आर मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस सभी के लिए क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए ये F1 है, ये मान लीजिए F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो जो ज्योमेट्री देख रहे हैं सबके लिए समान है, जो कॉन्फ़िगरेशन है फिगर का सबके लिए समान है, चार्ज डिस्टेंस सब कुछ सेम है, यानी F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F, और दिस इज नथिंग। अब देखिए आर माने के क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, सबके लिए फोर्स क्या हो गया, एफ वन बराबर एफ टू बराबर एफ थ्री, ये डिस्टेंस को आर मानते हैं, तो ये क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर क्यू, यानी क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर, क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। अब आइए इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, ये तीन फोर्स आपके लग रहे हैं इस पॉइंट पर, ये यानी कि जो चार्ज क्यू डैश यहां रखा हुआ है उस पर, और सबका नेचर और क्या सर मैग्नीट्यूड, नेचर मतलब माने ये सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। अब ध्यान दो, ये सब एंगल सबके सब एंगल 120 है, 120 है, 120 है। तो समझदार बच्चा तो समझ गया होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको तो एक कंसेप्ट भी बताया गया था, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग, इफ ए नंबर ऑफ आइडेंटिकल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इन ए प्लेन, इफ द एंगल बिटवीन देम आर सेम, देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। आइए, तो हम तो जान गए भाई कि जीरो हो, लेकिन इसको अलग मान के हम बनाते हैं, नहीं भाई कैसे जीरो आप बताओ। आप देखो ध्यान से, दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो रिजल्टेंट ठीक उनके बीच से पास करेगा, रिजल्टेंट आ। अब ये देखिए ना, बीच से मतलब ये 60 डिग्री, बीच से मतलब ये 60 डिग्री। कंसेप्ट क्या है सर, अगर ये आर का वैल्यू एफ के बराबर हो जाए तो सब कैंसिल कर दे, क्योंकि तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल कर दे, इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और अगर r इक्वल टू f हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे सर कैंसिल आउट कर देंगे। कंसेप्ट देखा जाए ध्यान से, r इक्वल टू f हो जाएगा तो कंडीशन फॉर हाँ नेट कंडीशन कहता है, कंडीशन फॉर कैसी कंडीशन निकालते, पहले r निकालो सर, r क्या है, तो r क्या होगा सर, दो तरीके से, एक पैरेललोग्राम लगा दें, एक रिजर्व कर दें, तो इसको तोड़ दीजिए सर f को, एफ को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा सर, एफ को तोड़िएगा तो इसको तोड़िए तो ये हो गया एफ कॉस 60 डिग्री, ये क्या होगा सर एफ कॉस 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री, इसको तोड़ दीजिए फिर तो ये हो जाएगा एफ कॉस 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा सर एफ साइन 60 डिग्री, ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, एफ कॉस 60 डिग्री, एफ कॉस 60 डिग्री दोनों ऊपर की ओर, यहां रिजल्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, यहां आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f cos 60 डिग्री, ध्यान दीजिए, तो r इक्वल टू 2f इनटू 1 बाय 2, 2 टू कैंसिल, तो r इक्वल टू f, r इक्वल टू f होने का मतलब है क्या, नेट फोर्स क्या होगा जी, यानी आंसर क्या होगा आपका,
जीरो होगा, यानी कि चार्ज जो है वो नेट फोर्स कितना क्यू डैश का करेगा, इन तीनों के चलते नेट फोर्स जीरो लगेगा, जीरो अनुभव करेगा। आइए, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं अनुभव कर रहा, हाँ फोर्स अनुभव कर रहा है लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो है। आइए देखते हैं ध्यान से, हम लोग क्या यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाल, हम लोग देखे थे इसके पहले वाला केस में जब पॉइंट टू पॉइंट चार्ज कर लिए थे, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था और नेचर सिमिलर था, तो वहां भी देखे थे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आया था, आर बाई टू पर बीच में। यहां भी देखिए कि अगर सिमिलर चार्ज हम लेते हैं, सिमिलर चार्ज लेते हैं तो सिमिलर चार्ज लेते हैं तो इसके सेंटर पर रखे गए चार्ज के द्वारा नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो कंक्लूजन क्या निकाले हम लोग, कंक्लूजन यही निकाले कि व्हाट एवर विद ज्योमेट्रिकल शेप, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, व्हाट एवर विद ज्योमेट्रिकल शेप, if distribution of charge is uniform then force experienced by a charge, then force experienced by a charge placed at its geometrical center is always equal to zero। क्या सुना आपने कि if distribution of charge is uniform then whatever be the geometrical shape, if a charge is placed at its geometrical center the net force experienced by the charge placed at geometrical center is always equal to zero। आपने सुना कि वट एवर बी दी ज्योमेट्रिकल शेप, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज प्लेस्ड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। समझ गए हीरो, अब देखा जाए ध्यान से, एक नेट हम लोगों का क्या होगा, एक कंक्लूजन निकाल दिया, कंक्लूजन निकाल दिया। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग करते हैं ठीक, लेकिन कहीं कहीं लोग मिस्टेक भी करता है, उसी मिस्टेक को हम काउंट कराते हैं, आपको माइंड कराते हैं कहां मिस्टेक से बचिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, द ब्लेम नोट हम लोग ले लेते हैं कि व्हाट एवर नहीं, हाँ इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म देन force experienced by a charge by a charge placed at its geometrical center, force experienced by a charge placed at its geometrical center is always zero. Placed at its geometrical center is always zero। समझ में आ गया, तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फट से आसान से हल कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसी पर, एक क्वेश्चन देते हैं, बेहतर एग्जाम में आया हुआ है, इंडिया के एक बेहतर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, लोग क्या करते हैं क्वेश्चन ही सुधार देते हैं, आंसर अपने हिसाब से निकलते हैं, वही सबसे बड़ा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन है फाइव आइडेंटिकल चार्ज, identical charge each of value q are placed at the vertices of
ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ईच ऑफ साइड ए, ईच ऑफ साइड पट ए, ईच ऑफ साइड ए, ईच ऑफ साइड ए, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a charge q dash, a charge q dash placed at the center of the hexagon, center of the hexagon. Kya suna? 5 point charges each of value q, identical point charges each of them are placed at a regular hexagon. ठीक, are placed at the vertices of a regular hexagon. Regular hexagon. Each of side A. Find the force experienced by a charge Q dash placed at its center. कह रहा है कि पांच समरूप एक समान चार्ज किसी षष्ठभुज के शीर्ष बिंदुओं पर रखे गए और एक चार्ज Q डैश उसके सेंटर पर रखा हो, तो उस चार्ज Q डैश के द्वारा क्या फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा? ध्यान दीजिए, कुछ लोग क्या सोचते हैं, सर गलत क्वेश्चन लिखवा दिए, इनको क्या रखना चाहिए था 6, और तब वो क्या आंसर देते, 0। मैं तो 6 बोला नहीं, लेकिन सोचते हैं कि सब थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं तो चलिए ये गड़बड़ बात है, तो फिर हम लोग आते हैं इसका जवाब क्या है, लेकिन नेचुरली लोग सोच देता है कि सब क्वेश्चन गलत लिखवा रहे, क्वेश्चन सही लिखा है, आंसर इसका होगा सर, लेकिन आप चाहे 0 आंसर बताने के लिए क्वेश्चन ही सुधार आइए देखते हैं ध्यान से। ठीक, देखिए ध्यान से, एक रेगुलर हेक्सागन बनाइए, एक रेगुलर हेक्सागन बना लिए, हमारे इसमें 6 कॉर्नर है लेकिन 5 ही तो चार कॉर्नर है, क्यू 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 क्यू, सभी साइड की लंबाई ए, एक साइड खाली है ब्लैंक, यहां नहीं है कोई चार्ज, कोई चार्ज, और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर क्या रखा गया, क्यू डैश रखा हुआ, यहां पर चार्ज क्यू डैश रखा हुआ। अब इसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस, अब देखिए तो ये साइड, ये डिस्टेंस देख लीजिए पहले, अब डिस्टेंस को देखो, ये देखो तो बाबू, ये ए है साइड में, साइड का लंबाई क्या है ए, तो ये एंगल 60, ये भी 60, ये भी 60, ये लाइन है ट्रायंगल के साइड पे लेटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब बराबर होंगे, ये भी डिस्टेंस। अब देखिए ध्यान से, ये अगर प्लस क्यू है, आई सब प्लस है, तो ये ऐसे धक्का मारेगा इसको, सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि क्यू क्यू डैश बाई ए स्क्वायर, क्यू क्यू डैश बाई ए स्क्वायर, यानी एफ यहां क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू डैश बाई क्या होगा, ए स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। अब ये जो चार्ज है Q, इस Q डैश को ऐसे धक्का मारेगा, और ये जो चार्ज Q है इसको ऐसे, तो दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड बराबर है, कैंसिल करेंगे,
ये चार्ज इसको ऐसे धकेलेगा, ये धकेलेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों के चलते जीरो, इन दोनों के चलते जीरो। लेकिन यहां तो कोई चार्ज नहीं, तो ये जब फोर्स इस पर लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, तो काउंटर करने वाला कोई फोर्स नहीं, तो यही यहां पर इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो आंसर क्या होगा, के क्यू क्यू एस वाई क्या होगा, ए स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये ए लिखा हुआ है, न कि क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, ए अल्फाबेट का ए है, और ये क्यू क्यू एस। बस समझ आ गया, तो ऐसे ध्यान देना, इन्हें की क्वेश्चन ही सुधारना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग देखने कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आपको होमवर्क मिल जाए, या एक तो क्वेश्चन होमवर्क में डाल देते हैं, और आप यहां देखिए डाउट्स होगा मुझसे पूछिएगा, कब पूछिएगा आप देखिए, आपको देखना है हिंट कैसे दीजिएगा। हो सकता है अगर आपका आए यहाँ पर, हमारा सजेशन है सर सोल्यूशन, अगला वीडियो में सोल्यूशन डाल देंगे, अगर आप सोल्यूशन चाहेंगे तो हम सोल्यूशन डाल देंगे अगला वीडियो में। पहला ये होमवर्क एच डब्ल्यू में, एच डब्ल्यू में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कर दे कि फोर इक्वल चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू वैल्यू क्यू आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ साइड साइड आर। आर इसलिए रिचार्ज क्यों लिखने में आप लोग अच्छा, ईच ऑफ साइड ए लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी वन ऑफ द चार्ज, एनी वन ऑफ द चार्ज चार्ज ड्यू टू अदर थिंग। एक ऊपर निकालना है तो बाकी बचेंगे कितना, एक क्वेश्चन दे दिया ठीक। इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड का लंबाई, हर एक साइड का लंबाई है, उसके चारों कोने पर क्यू 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 चार्ज रखा हुआ, तो किसी एक क्यू के द्वारा बाकी बचे तीन क्यू के चलते क्या फोर्स लगेगा, ये निकालना है ठीक। सब सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा, वो होमवर्क नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आप चाहें अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन दूंगा ठीक। तो निश्चित है सजेशन जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, charges each of value q are fixed at a separation r from each other. Are fixed at separation r from each other. Okay. Now, a charge q. A charge q dash is in equilibrium. At the midpoint
of the line joining the two charges. Now charge Q does having mass M is slightly displaced slightly displaced either towards left or right, कुछ भी हो सकता है, राइट आइदर टूवर्ड्स लेफ्ट राइट एंड देन रिलीज्ड सो दैट मोशन ऑफ चार्ज क्यू डैश ऑफ चार्ज क्यू डैश इज सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक एंड ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड सिंपल है, हम आपको हिंट कर रहे हैं, यही आपका चार्ज क्यू क्यू है, फिक्स किया हुआ, टेस्ट किया हुआ इसको, और इनके बीच एक चार्ज क्यू है, इनके बीच की दूरी क्या ऐसा आर है, अब इसको या तो थोड़ा साइज क्यू इसका मास से निपटा दें, या तो इधर क्यू या इधर क्यू थोड़ा सा प्रेस करें डिस्प्लेस करें तो छोड़ दें, तो शो कीजिए कि इसका मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, और अगर सिंपल हार्मोनिक होगा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक, ये थोड़ा और सभी अभी जितना पॉइंट चार्ज को क्वेश्चन देते वो अलग है, टेक्निकली अलग थिंकिंग का है, ठीक। इसी तरह के एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, केवल फिगर बना देते हैं, आप क्वेश्चन क्या करते हैं सुन लीजिए बढ़िया से, हमारे पास दो चार्ज है क्यू और क्यू, इनके बीच की दूरी क्या है, मान लीजिए ए पॉइंट है बी पॉइंट पर रखा हुआ है, पेस्ट किया हुआ, फिक्स किया हुआ, और यहां से एक्स दूरी पर चार्ज क्यू डैश लगा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लिखवा नहीं रहे सर, सुन बोल रहे हैं कि टू चार्जेस क्यू एंड क्यू आर प्लेस एट अ सेपरेशन आर आर फ्रॉम ईच अदर, नाउ अ चार्ज क्यू डैश इज प्लेस्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर at the perpendicular bisector of the line joining the two charges at a distance x from the midpoint at a distance x from the midpoint, kya suna aapne, to aap wahan kya suna hai ki two charges each of value q are fixed at a separation r from each other, now the charge q dash is placed at the perpendicular bisector of the line joining the two charges line joining the two charges at a distance x from O in the midpoint. Find the value of x so that force experienced by q dash due to q and q due to the two charges find the value of x so that
so that force experienced by Q dash due to the two charges will be maximum. Will be maximum. And also find the value of maximum force. मैक्सिमम फोर्स यानी एफ यहां पर मैक्सिमम हो और इस एफ का वैल्यू क्या है, एफ का मान मैक्सिमम हो और इसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, मैक्सिमम हो और मैक्सिमम मात्रा भी निकालना है। क्या सुना, दो चार्ज क्यू क्यू है, उनको आर दूरी पर फिक्स कर दिया और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, वहां से सेंटर से x दूरी पर यानी मिड पॉइंट से x दूरी पर चार्ज q डैश रख दिया, तो x का वैल्यू निकाल रहा है जिसके लिए q डैश के द्वारा अनुभव किया जाने वाला फोर्स मैक्सिमम हो और उस मैक्सिमम फोर्स का मान भी निकाल रहा। सुन लिया बढ़िया से? तो नेक्स्ट क्लास में हम उम्मीद करेंगे कि आप सॉल्व करके आएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व किए सजेशन जरूर देंगे, सजेशन बॉक्स में जाकर के सजेशन देंगे कि सर इसका सलूशन दिया जाए, तो इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको सलूशन देते हैं, ठीक है।